जब तक ये भून रहे हैं तब तक हमने 3-4 लहसुन, छोटा सा एक अदरक और धनिया ले लिया है पीसने के लिए। और इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, ठीक है, और साथ ही हम एक लेमन रखेंगे स्वाद के लिए, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं आफ्टर ग्राइंडिंग, चटनी बनने के बाद। इस भुने हुए टमाटर को इस तरीके से हमने पूरा छील लिया है, इसको थोड़ा सा काट देंगे ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए और थोड़ा ठंडा हो जाए, तब डालेंगे। और ये चटनी रेडी। मैंने फॉर अ डिफरेंट चेंज इसमें 1-2 स्लाइस अनियन के डाले हैं, और ये है हरा धनिया जिसे हम काट के इसमें डालेंगे, और ये टमाटो, और ये हरा धनिया हमने डाल दिया है। और अब हम इसे करेंगे ग्राइंड। और इस तरह भुने हुए टमाटर की चटनी तैयार है। और ये लेमन है, आपकी मर्ज़ी है, आप डाल सकते हैं फॉर अ टेस्ट, बट मैं ज़रूर डालूंगी।